2020 का हीरो ओडीआई का है सबसे बड़ा और 13-0। आज सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली गेंद के ऊपर अपना विकेट खो बैठे हैं और ऐसा हुआ है शायद इसके पहले क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कि एक सीरीज के अंदर एक बल्लेबाज अपने तीनों ही मुकाबलों में पहली ही गेंद पर आउट होकर वापस पवेलियन गया हो। सूर्य कुमार यादव जिनकी प्लेइंग 11 में स्थान को लेकर इससे पहले ही काफी ज्यादा हल्ला था, आज खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में चेन्नई के मैदान पर एश्टन एगर का शिकार हुए हैं सूर्य कुमार यादव। टी20 में हालांकि ये खिलाड़ी 360 डिग्री कहलाया जाता है, लेकिन वनडे क्रिकेट आते ही ये -360 डिग्री बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरने के बाद हमने साफ साफ देखा रोहित शर्मा से लेकर भारतीय हेड कोच राहुल द्राविड का रिएक्शन जो टीवी स्क्रीन पर आया, सभी इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आए। यहां तक कि आज सूर्य कुमार यादव के साथ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। पहले दो ओडीआई मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करवाई गई, लेकिन आज एक नया ओहदा दिया गया नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने का, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में भी सूर्य कुमार यादव आज हमें पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में संजू सैमसन के नाम को लेकर एक बार फिर से चर्चा काफी ज्यादा बढ़ गई है। संजू सैमसन जो इन दिनों हमें नजर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर स्वाई मानसिंह स्टेडियम में तैयारियां करते हुए, फैंस के साथ फोटोज खिंचवाते हुए आने वाले आईपीएल के लिए, और उनकी जगह जहां भारत की स्क्वाड में मौका दिया गया सूर्य कुमार यादव को, वो तीनों ही मुकाबलों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। जहां पहले दोनों मुकाबलों में पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क ने उन्हें अपना शिकार बनाया और आज तीसरे मुकाबले में एश्टन एगर ने पहली गेंद पर चलता कर दिया सूर्य कुमार यादव को। क्या कुछ है आपका कहना सूर्य कुमार यादव के एक और जीरो के बारे में? इस पूरी सीरीज में सिर्फ 3 गेंदें खेली, तीनों बार आउट हुए हैं सूर्य कुमार यादव, इसके बारे में दीजिए अपनी राय जरा हमें कमेंट सेक्शन में। क्या आने वाले वर्ल्ड कप में जहां श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, इसके ऊपर काफी बड़ा सवाल पैदा हो गया है उनकी इंजरी के बाद, क्या सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन इन दोनों खिलाड़ियों में से आने वाले समय में भारतीय ओडीआई टीम में आप किसे देखते हैं? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।